एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इन दिस पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड वी विल डिस्कस सम स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स विच हैव फार्मास्यूटिकल यूजेज एंड अदर इंडस्ट्रियल यूज एंड दैट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एज फंक्शनल ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो पहले क्वालिटेटिव टेस्ट को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टेस्ट इज़ लिटमस टेस्ट. सो एज वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, तो ब्लू लिटमस को रेड में ये कन्वर्ट करेगा. तो इफ़ द सैम्पल इज़ कन्वर्टिंग द ब्लू लिटमस टू रेड, इट मीन्स द सैम्पल कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, मे कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. तो इसमें होता यह है कि पहले सैंपल लेंगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे. इफ़ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टेक्स प्लेस विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इट मीन्स द सैंपल मे कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट टेस्ट है एस्टर टेस्ट. अब एस्टर टेस्ट में क्या है कि हमें पता है कि एसिड को जब अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाएगा तो एस्टर फॉर्म होता है. ये हम लोगों ने केमिकल टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के. तो अगर सैंपल को आप इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे और उसमें दो तीन ड्रॉप अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करेंगे तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अगर होता है और एस्टर फॉर्मेशन होता है तो एक फ्रूटी स्मेल आएगा. तो फ्रूटी स्मेल आएगा, इट मीन्स एस्टर इज़ फॉर्म्ड. और एस्टर अगर बन गया है, इट मीन्स सैंपल मे कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. एंड नेक्स्ट टेस्ट इज़ रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो सैंपल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करना है एंड इफ़ इवोल्यूशन ऑफ HCl टेक्स प्लेस, तो इट मीन्स द सैंपल कंटेंस कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कैसे पता चलेगा? तो पहले सैंपल को आप PCl5 के साथ ट्रीट करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे. तो HCl के जो फ्यूम्स निकलेंगे उसको ब्लू लिटमस उसके पास रखना है. तो अगर वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब HCl फॉर्म हुआ है. और अगर HCl फॉर्म हुआ है, इसका मतलब सैंपल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विथ वाटर. तो ऐसा हम लोग को पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो आयनाइज्ड होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है. और उसकी वजह से जो मिक्सचर है उसका पीएच रेंज 3 to 5 रहता है. तो जो भी रिएक्शन मिक्सचर है उसका अगर हम पीएच डिटरमाइन कर लेंगे और वो 3 to 5 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब सैंपल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. ठीक है. तो ये सारे टेस्ट हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि सैंपल जो है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है. दीज आर नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट, दीज आर प्रिलिमिनरी टेस्ट. तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि सैंपल जो है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जिनका कुछ यूज़ है, फार्मास्यूटिकल यूज़ है या इंडस्ट्रियल यूज़ है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है. जैसे पहला है एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड का देखिए स्ट्रक्चर है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया. अब यूज़ क्या है? एसिटिक एसिड जो है वो एज विनेगर यूज़ होता है, ईयर ड्रॉप्स, देन यूरिनरी कैथेटर, एज यूरिनरी कैथेटर यूज़ होता है, देन प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. सो एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, देन इथाइल एस्टर के प्रोडक्शन में, आइसोब्यूटाइल एसिटेट, जो कि ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड हो, ये जो आइसोब्यूटाइल एसिटेट है ये इंक, पेंट और कोटिंग में यूज़ होता है. तो ये सारे यूजेज हैं एसिटिक एसिड के. और एसिटिक एसिड जो है वो एज कोएगुलेंट भी यूज़ होता है इन प्रोडक्शन ऑफ रबर, देन एसिटिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट.
तो एज सॉल्वेंट भी ये यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। ये देखिए लैक्टिक एसिड का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3CHOH COOH। सो दिस लैक्टिक एसिड का यूज़ जो है वो ये है कि इन टॉपिकल प्रिपरेशंस एज डिसइंफेक्टेंट, केराटोलाइटिक, केराटोलाइटिक का मतलब हो गया वो जो अपर स्किन लेयर को हटाना, जो नए स्किन को लाने के लिए करते हैं वो हो गया। देन एज फूड एडिटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, क्यूरिंग एजेंट, देन फ्लेवरिंग एजेंट, इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री उसमें भी यूज़ होता है, एज मॉस्किटो एट्रैक्टेंट विथ एमोनियम बाइकार्बोनेट। एमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ मॉस्किटो को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये लैक्टिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड इज टार्टरिक एसिड। सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड। ये स्ट्रक्चर है टार्टरिक एसिड का, यूज़ क्या है देख लेते हैं। यूज टू सेट जेल एंड प्रिजर्व फूड, एज प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। यूज इन गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिंग प्रोसेस, गोल्ड और सिल्वर प्लेटिंग प्रोसेस में यूज़ होता है ये। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग मेटल्स एज एंटी ऑक्सीडेंट, हेल्प्स इन डाइजेशन। सो दीज आर द यूजेज ऑफ टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड इज़ सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर है सिट्रिक एसिड का। एंड यूज़ देख लेते हैं, एज क्लिंजिंग एंड चिलेटिंग एजेंट, देन एज फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव इन फूड्स एंड बेवरेजेस, एज एसिडुलेंट इन क्रीम्स, जेल्स एंड लिक्विड्स। एसिडुलेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो सिट्रिक एसिड होता है वो इन फॉर्म जैसे क्रीम हो गया, जेल हो गया, लिक्विड्स प्रिपरेशन जो होते हैं उसमें एज एसिडिक टेस्ट को इम्पार्ट करने के लिए भी ये सिट्रिक एसिड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड। सो सक्सिनिक एसिड का ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एंड दिस सक्सिनिक एसिड इज़ यूज्ड एज फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, एज प्रिकर्सर टू सम पॉलीमर्स एंड रेजिन्स। तो पॉलीमर्स और रेजिन्स को बनाने में भी काम आता है। यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी सक्सिनिक एसिड यूज़ होता है। देन ग्रोथ एंड यील्ड एज एडहेसिव, कोरोजन इनहिबिटर, कोरोजन को इनहिबिट करने के लिए यूज़ होता है। इन कोटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स, सो इन कोटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स ऑल्सो दिस सक्सिनिक एसिड इज़ यूज्ड। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है ऑक्जेलिक एसिड। ये देखिए स्ट्रक्चर ये है ऑक्जेलिक एसिड का। एंड दिस ऑक्जेलिक एसिड इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट, रस्ट रिमूवल एजेंट, रस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। देन प्रिसिपिटेटिंग एजेंट फॉर रिकवरिंग रेयर अर्थ मेटल्स, देन पिकलिंग एजेंट इन लेदर इंडस्ट्री। सो दीज आर द यूजेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। एंड दिस ऑक्जेलिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज एज वेरी इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट ऑल्सो, एंड टाइट्रेशंस में भी ये ऑक्जेलिक एसिड जो है यूज़ होता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भी ये यूज़ होता है, तो ये भी यूज़ है ऑक्जेलिक एसिड का। नेक्स्ट इज़ सैलिसिलिक एसिड। ये देखिए सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड दिस सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाट, सोरियसिस, डैंड्रफ, एक्ने, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, इचिंग। तो इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत है। देन इन प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन, तो एस्पिरिन एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है और इसको सिंथेसाइज करने में सैलिसिलिक एसिड का यूज़ होता है। फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड ही ये एस्पिरिन सिंथेसाइज होता है। देन एज फूड प्रिजर्वेटिव, बैक्टीरियसिडल, एंटीसेप्टिक, तो ये सारे मेडिसिनल यूज़ हैं सैलिसिलिक एसिड के। तो ये ध्यान देना है कि सैलिसिलिक एसिड का मेडिसिनल यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर। एंड दिस बेंजोइक एसिड इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल,
वाइट फील्ड ऑइंटमेंट यूज इन फंगल इन्फेक्शन, तो ये जो ऑइंटमेंट यूज़ होता है फंगल इन्फेक्शन में उसके सिंथेसिस में, उसके प्रोडक्शन में ये बेंजोइक एसिड यूज़ होता है। देन मेन कंस्टेंट ऑफ टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, जो ये टिंक्चर ऑफ बेंजोइन है उसका मेन कंस्टेंट होता है, और ये टिंक्चर ऑफ बेंजोइन जो होता है वो एज एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। देन इनहेलेंट डीकंजेस्टेंट उसमें यूज़ होता है। देन हैज़ एस्पेक्टोरेंट एनाल्जेसिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, तो ये जो बेंजोइक एसिड है इसका खुद का भी प्रॉपर्टी जो है वो स्पेक्टोरेंट प्रॉपर्टी है, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है। अब एनाल्जेसिक है तो पेन में यूज़ होगा, स्पेक्टोरेंट है तो कफ रिमूवल है, तो कफ में यूज़ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपाउंड इज़ बेंजाइल बेंजोएट। सो बेंजाइल बेंजोएट जो है उसका ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेंजाइल बेंजोएट का। एंड दिस बेंजाइल बेंजोएट इट इज़ यूज, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये जो यूज़ होता है वो एस्थमा में यूज़ होता है ये। देन वूफिंग कफ इंग्रेडिएंट ऑफ आफ्टर सेव लोशन, सो आफ्टर सेव लोशन में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद शैम्पू, क्लिंजर, परफ्यूम्स, मॉइस्चराइज़र, नेल पॉलिश, देन मॉस्किटो टिक रिपेलेंट, इन सब में ये बेंजाइल बेंजोएट जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एज इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज डाईमिथाइल थैलेट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाईमिथाइल थैलेट, ये डाईमिथाइल थैलेट है। एंड दिस डाईमिथाइल थैलेट इज़ यूज्ड एज एंटी पैरासिटिक ड्रग, देन इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट, एज प्लास्टिसाइजर एंड सॉल्वेंट, एंड एज फ्रेगरेंस इन कॉस्मेटिक, फ्रेगरेंस इम्पार्ट करने के लिए भी कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, एज सॉल्वेंट यूज़ होता है। सो दीज आर द यूजेज ऑफ डाईमिथाइल थैलेट। नेक्स्ट और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज फंक्शनल ग्रुप रहता है या फिर उसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट, ये स्ट्रक्चर है। एंड दिस मिथाइल सैलिसिलेट इज़ यूज्ड इन किलिंग हर्बीवोरस इंसेक्ट्स, हर्बीवोरस इंसेक्ट जो होते हैं उसको किल करने के लिए यूज़ होता है, एज एनाल्जेसिक, एज फ्लेवरिंग एजेंट इन लो कंसेंट्रेशन इन मिंट एंड च्यूइंग गम। तो मिंट और च्यूइंग गम में लो कंसेंट्रेशन में एज फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है ये। एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश, माउथ वॉश में एज एंटीसेप्टिक मिथाइल सैलिसिलेट यूज़ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो दिस एसिटाइल सैलिसिलिक जो एसिड जो है ये एस्पिरिन भी बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड इन पेन, फीवर, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक इन कॉम्बिनेशन विथ अदर सीवियस ड्रग्स। देन एज वेटरनरी ड्रग भी यूज़ होता है पेन रिलीफ करने के लिए, एंड एज एंटी कोएगुलेंट। तो ये एनिमल्स में जनरली ये हॉर्स और डॉग्स में यूज़ किया जाता है। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये देखिए स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स विच मे विच कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड को ये सारे कंपाउंड में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या फिर उसके डेरिवेटिव हैं ये, ठीक है। और इनका फार्मास्यूटिकल यूज़ या मेडिसिनल यूज़ या अदर इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो आज हम लोगों ने ये सारा कुछ डिस्कस किया है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था, इसलिए लेक्चर को थोड़ा फास्ट किया गया है, क्योंकि ये आप लोगों को बस पॉइंट आउट मीन्स याद रखने का है। तो वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये सारे कंपाउंड्स आते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू वेरी मच।